कहानी की शुरुआत चर्च को दिखाते हुए होती है, जहां अडोल्फो और लोला की शादी हो रही होती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लोला शादी से पहले से ही प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ट्विंस बच्चे हैं। शादी फिनिश करके वो जैसे ही चर्च के बाहर जाती है तो अचानक उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने लगता है, एंड ये देखकर आसपास खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी अडोल्फो लोला को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। अब डॉक्टर आके लोला को बताती है कि उसके शरीर में सीवियर इंटरनल डैमेज हुआ है और वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनकर लोला काफी ज्यादा टूट जाती है। धीरे धीरे कहानी में 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन लोला अभी भी काफी परेशान रहती है। अडोल्फो लोला को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लोला उसे बोलती है कि हमें अपने गांव में जाकर रहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लोला को ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है एंड उस एनर्जी की वजह से ही उसके साथ ऐसा हुआ है। अडोल्फो उसे बोलता है यही पास में ऑर्फन बच्चों का कॉन्वेंट है और कल हम वहां जा रहे हैं, एंड नेक्स्ट डे वो उस कॉन्वेंट में पहुंच जाते हैं। अब लोला को पियानो की आवाज आती है तो वो चर्च में चली जाती है। तभी मदर आके उसे बताती है ये पियानो दो बच्चे बजा रहे हैं और उनका नाम टीन एंड टीना है। इतने में वो दोनों बच्चे भी वहां आ जाते हैं। तभी जोर से बिजली कड़कती है तो वो दोनों बच्चे लोला को गले लगा लेते हैं। ये देखकर लोला का दिल काफी पिघल गया था और वो उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है। अब वो दोनों बच्चे उन दोनों के साथ घर आ जाते हैं। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था ये फैमिली अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। उसी रात जब लोला उन दोनों बच्चों के ब्रीफकेस देखती है तो उसे उसमें काफी सारे क्रॉस मिलते हैं। तो वो उन दोनों बच्चों से पूछती है कि तुम ये क्रॉस अपने साथ क्यों लेकर आए हो। तो वो बच्चे जवाब देते हैं कि इन क्रॉस की वजह से संहारक देवदूत इस घर में नहीं आ सकता। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे काफी ज्यादा धार्मिक है, एंड ये खाना खाने से पहले परमात्मा की प्रार्थना करते हैं और साथ ही अपने माता पिता को भी बोलते हैं कि आप भी प्रार्थना करो। अगली सुबह जब लोला उन दोनों बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तो टीना उससे बोलती है कि क्या आपने कभी परमात्मा को देखा है। तो लोला कहती है नहीं। फिर टीना कहती है मैं आपको परमात्मा से मिलवा दूंगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको अपनी जगह से नहीं उठना। अब टीना एक पॉलिथीन बैग लाती है और टीन के मुंह को पॉलिथीन बैग से बंद कर देती है जिससे उसकी सांसें रुक रही थी। ये देखकर लोला जैसे ही सीट से उठने वाली थी तो टीना उससे मना कर देती है, एंड वो उस सीट से नहीं उठती। अब टीना उस पॉलिथीन को हटा देती है तो टीन कहता है मम्मी मैंने आपके लिए परमात्मा से प्रार्थना करी है। इतना कहते के साथ ही वो सब खेलने लग जाते हैं। उसी रात जब अडोल्फो घर आता है तो लोला उसे बताती है कि ये दोनों धर्म के लिए काफी पागल है। तो अडोल्फो उसे ये कहकर बात टाल देता है कि ये बच्चे चर्च में बड़े हुए हैं तो ऐसा धार्मिक होना इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। अब लोला जब उनके रूम में जाती है तो बच्चे जाग रहे होते हैं तो वो लोला के साथ खेलने लगते हैं, लेकिन जो अब लोला के साथ होने वाला था वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। उन दोनों ने लोला के मुंह को पॉलिथीन से बंद कर दिया था जिससे वो मरते मरते बचती है, एंड इतनी देर में अडोल्फो भी वहां पर आ गया था तो उसने भी ये सब देख लिया था। अब अडोल्फो उन दोनों बच्चों को डांटने वाला ही था लेकिन लोला उसे मना कर देती है। तभी वो दोनों बच्चे वहां आकर लोला से माफी मांगने लगते हैं, एंड उन दोनों को देखकर डॉग काफी ज्यादा भौंक रहा था तो लोला उसे शांत करवाती है, मगर वो कुत्ता लोला के हाथ पे काट कर भाग जाता है। फ्रेंड्स आपने नोटिस करा जब से ये दोनों बच्चे इस घर में आए हैं तब से इस घर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। बच्चों को ऐसा लग रहा था कि इस कुत्ते की आत्मा पापी है तो वो उस कुत्ते को बेहोशी की दवा खिला देते हैं, और जब वो कुत्ता अच्छी तरीके से बेहोश हो जाता है तो वो उसकी चीर फाड़ कर देते हैं ताकि उन दोनों को उसकी आत्मा मिल सके, लेकिन उन्हें उस कुत्ते की आत्मा नहीं मिलती। तो सुबह होते ही वो अपने मम्मी पापा के पास आकर बोलते हैं कि कुकी उठ नहीं रहा है, एंड जैसे ही वो नीचे जाकर कुकी को देखते हैं उनकी फटके चार हो जाती है। उन दोनों बच्चों ने उस कुत्ते का पोस्टमार्टम कर दिया था। अब वो बच्चे अडोल्फो को कहते हैं कि हमने उस कुत्ते की आत्मा साफ कर दी है। तो अडोल्फो उन्हें बताता है कि तुमने आत्मा साफ नहीं करी बल्कि कुत्ता ही साफ कर दिया है। अब वो सभी कुकी को अंतिम विदाई दे देते हैं, रेस्ट इन पीस कुकी। लोला को रियलाइज हो चुका था कि इन दोनों बच्चों में कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात जब लोला उन्हें देखती है तो वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से चल रहे थे। इतने में टीन बेहोश होकर गिर जाता है, एंड लोला को पता चलता है कि इसने अपने पैरों में चम्मच से घाव कर लिया है, तो वो उसे हॉस्पिटल ले आती है। अब टीन उसे बोलता है कि ये सब मैंने कुकी की वजह से किया है ताकि कुकी वापिस आ पाए, लेकिन लोला उन दोनों को समझाती है कि बाइबल्स में लिखी हुई सारी बातें सच नहीं होती, ये एंजल शैतान और स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता।
धीरे धीरे क्रिसमस डे आ गया था एंड ये फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने ही वाली थी, लेकिन लोला बेहोश होकर गिर जाती है एंड हॉस्पिटल आके उन्हें ये पता चलता है कि लोला प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही इस घर में खुशियों की लहर आ गई थी। एक दिन जब ये फैमिली चर्च में थी तो वहाँ एक लड़का आता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर से पत्थर गिर गया था। उस लड़के का नाम पेड्रो होता है, जो कि टीन एंड टीना को स्कूल में काफी परेशान करता था। उसी रात लोला उन दोनों से पूछती है कि पेड्रो के साथ ये तुमने किया है, तो वो दोनों मना कर देते हैं। नेक्स्ट डे लोला के पास पेड्रो की मम्मी का कॉल आता है, जो कि बताती है पेड्रो कोमा में चला गया है एंड ये जो सब पेड्रो के साथ हुआ है ये कहीं आपके बच्चों ने तो नहीं करा, क्योंकि पेड्रो आपके बच्चों को काफी परेशान करता था एंड लास्ट टाइम पेड्रो आपके बच्चों के साथ ही दिखाई दिया था। लोला काफी ज्यादा परेशान हो गई थी तो वो चर्च जाकर मदर से मिलती है और उनसे पूछती है कि टीन एंड टीना ने कभी दूसरे बच्चों से लड़ाई झगड़ा करा है या कभी बाइबल में लिखे हुए स्लोगन्स का गलत तरीके से प्रयोग करा हो। लेकिन मदर उसे ये कहती है कि टीन एंड टीना काफी धार्मिक है और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, तो लोला वहां से उठकर चली जाती है। उसी रात जब लोला उन दोनों के कमरे में जाती है तो उसे बाइबल के अंदर से दो ड्राइंग मिलती है, एक जो कि कुकी की थी, दूसरी जो कि पेड्रो की थी। इट्स मीन उन दोनों बहन भाई ने ही पेड्रो के साथ ऐसा किया। अब लोला एडोल्फो को वो पेंटिंग दिखाकर बोलती है कि हमें पुलिस को इन दोनों के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन एडोल्फो उस पर गुस्सा करते हुए मना कर देता है कि ये सिर्फ बच्चे हैं। नेक्स्ट डे लोला घर के सारे क्रॉस और बाइबल को एक बॉक्स में बंद करके रख देती है और बच्चों को बोल देती है कि ये क्रॉस और बाइबल इस बॉक्स से तभी बाहर निकलेंगे जब तक तुम बड़े नहीं होते। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसके काफी सारे बाल झड़ चुके थे एंड लोला को ऐसा लग रहा था कि ये टीन एंड टीना ने किया है, लेकिन एडोल्फो उसे समझाता है कि प्रेगनेंसी में ऐसा होना आम बात है। मगर लोला के मन के अंदर शक बैठ चुका था, साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि पेड्रो की मौत 3 दिन पहले हो चुकी है। लोला को इन दोनों बच्चों से डर लगना शुरू हो गया था। वो एडोल्फो को काफी मना करती है कि आज रात उसे एडोल्फो अकेला छोड़ के ना जाए, लेकिन एडोल्फो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके हाथ बेड से बंधे हुए थे। अब वो दोनों बच्चे उसे दूध पिलाते हैं, लेकिन लोला दूध नहीं पीती, तो टीन एक इंजेक्शन में दूध भरकर लाता है और वो इंजेक्शन को लोला के पेट में लगाने ही वाला था तभी वो उठकर किचन के अंदर आ जाती है और एक चाकू को उठा लेती है। तभी एडोल्फो भी वहां पर आ जाता है तो अचानक से लोला का वाटर ब्रेक हो जाता है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसने एक लड़के को जन्म दे दिया है। अब हमें लग ही रहा था कि इनकी जिंदगी नॉर्मल हो गई है, तभी उन दोनों बच्चों के हाथ में दोबारा बाइबल आ जाती है। अब ये दोनों एक ऐसा काम करते हैं जिसे देखकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो न्यू बर्न बेबी को स्विमिंग पूल के पास लाते हैं और उस छोटे बच्चे को स्विमिंग पूल में डुबोकर उसकी शुद्धिकरण करने में लग जाते हैं। वो तो सही समय पे लोला उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है तो वो जल्दी से जाकर बच्चे को बचा लेती है एंड अब एडोल्फो को भी पता चल गया था कि ये दोनों बच्चे दिमाग से पैदल हैं। अब वो दोनों फैसला करके उन दोनों बच्चों को अनाथालय में वापस दे देते हैं, साथ ही उन्हें ये भी टेंशन रहती है कि अब इन दोनों बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या होगा। उस रात काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और इन दोनों पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, तो एडोल्फो गुस्सा करके वहां से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद घर पे अपने आप म्यूजिक सिस्टम चलने लगता है, तो लोला जैसे ही म्यूजिक सिस्टम बंद करने जाती है तभी लाइट चली जाती है, तो वो लाइट का स्विच ढूंढ ही रही होती है, अचानक उसे एडोल्फो के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो उस आवाज का पीछा करते हुए घर के बाहर आ जाती है। वहां उसे ये दिखाई देता है एडोल्फो को घर की छत पर काफी जोर से करंट लग रहा है, तो वो उसे बचाने के लिए जैसे ही ऊपर की तरफ भागती है तभी एडोल्फो छत से नीचे गिर जाता है। अब जलता हुआ एडोल्फो घर के अंदर आ गया था जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग गई थी, तो लोला अपने बच्चे को ढूंढने में लग जाती है मगर काफी कोशिश के बाद उसे बच्चा नहीं मिलता। तभी उसके दिमाग में टीन एंड टीना की कही हुई बात आती है एंड वो ऐसा ही करती है जो टीना ने टीन के साथ मूवी की स्टार्टिंग में किया था, और ऐसा करते के साथ ही उसे बच्चे के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, तो वो अपने बच्चे को साथ लेके घर से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी, तभी मदर वहां पर आके बताती है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही है, तो लोला मदर को बोलती है कि टीन एंड टीना कल हमारे घर पे आए थे, जिसके जवाब में मदर बोलती है कि कल वो दोनों कॉन्वेंट के अंदर ही थे, इनफैक्ट सुबह मैं उनको खुद उठाकर आई हूँ। ये सुनकर लोला को रियलाइज होता है कि वो दोनों बिल्कुल इनोसेंट थे। अब वो सभी एडोल्फो के फ्यूनरल में जाते हैं एंड देखकर ऐसा लग रहा था कि लोला ने भी परमात्मा को मानना शुरू कर दिया है एंड इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप बताइए, ये जो सब मूवी की एंडिंग में हुआ ये उन दोनों बच्चों ने करा ताकि उनको रहने के लिए घर मिल सके,
या ये सब परमात्मा ने करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।